बिलोनी जट महकमा पूरा फटे चक महकमा तेरे शहर विच खौफ यार दा पौंदा फेरे तक महकमा हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं करण। आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए स्कॉर्पियो क्लासिक एस मॉडल, बिल्कुल बेस वेरिएंट स्कॉर्पियो के अंदर जो आता है। पंजाब से गाड़ी आ रखी है भाई, फुली टॉप मॉडल व्हील्स के अंदर कन्वर्ट करी गई है। फिर से एक पंजाब का भाई प्यार, अलॉय व्हील्स लग चुके हैं 20 इंच के अंदर। तो भाई सारा काम हो रहा है प्रीमियम क्वालिटी शोर आरवी कार डेको पे। चलते भाई जयवीर के पास, बताएं इसके क्या कुछ चेंजेस करने वाले हैं। साथ में आ चुके भाई अपने जयवीर। जयवीर क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया भैया। क्या लेके अपनी ऑडियंस के लिए? स्कॉर्पियो क्लासिक बेस वेरियंट एस मॉडल। स्पेशल बात यह, पंजाब से गाड़ी आई और सबसे बड़ी चीज 20 इंच के अलॉयज। भाई अलॉय व्हील्स बहुत प्यारे लगते हैं अपनी स्कॉर्पियो के अंदर। तो आज लगाए भाई 20, लास्ट लगाए थे 22 इंच। 22 ठीक है, फ्रंट से बात कर लेंगे। 20 22 ही लगते हैं। ठीक है, वेरिएंट कौन सा था? एस वेरिएंट था, सुबह आई थी और रात को गाड़ी रेडी है। व्हाइट भी एक दिन व्हाइट भी सेम डे, सेम डे में नेक्स्ट डे कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है जी, फ्रंट से बात कर लेंगे। पहले तो बॉडी पेंट कंप्लीट किया है, जो कि रॉ कंडीशन में चारों तरफ की क्लाइडिंग्स होती है। ठीक है, ठीक है जी, क्वालिटी चेक आपके सामने है। सेम टू सेम मैच करके दिया भैया, चेक कर लो आप। ठीक है, ठीक है, क्वालिटी सेम है। साथ में ये स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियो के लेटर्स भी देते हैं भैया। ठीक है, इसका प्राइस होता है 15,000 रुपए। ठीक है, टॉप मॉडल ग्रीन जिसका प्राइस 1500 रुपए, फॉग लैम्प महिंद्रा जेन्युइन 2000 रुपए, महिंद्रा जेन्युइन DRL 8500 रुपए। स्टॉक हेडलैम्प में LED डाला है, बाकी टॉप मॉडल हेडलैम्प चेंज करने का भी ऑप्शन होता है। इसमें LED का एक बार रिस्पॉन्स चेक करवा देता हूँ भैया। तो व्हाइट फेस के अंदर कन्वर्ट करा गया है। ये सिर्फ फॉग लैम्प है। ठीक है, ये लो बीम है। ठीक है, और ये हाई बीम है। फ्रंट फेस कितना ब्राइट सेटअप है कि अगला बंदा अंधा हो जाए। हाँ जी, मतलब सेटअप अच्छा खासा है। बाकी देखो, हम रिकमेंड करते हैं कि हाई बीम पे ड्राइव कभी ना करे। बहुत भाई कमेंट मारते कि भाई अगला बंदा अंधा हो जाएगा। हाँ जी, तो हाई बीम पे ड्राइव नहीं करना। हाँ। स्टार्टिंग रेंज कितने से मिल जाती है? 2500 रुपए से स्टार्ट हो जाए। और टॉप मॉडल हेडलाइट की कॉस्टिंग 14,500। अब साइड फेस हम बात कर लेंगे भाई, जो लोग एनहांस कर रहे हैं इस गाड़ी के। 20 इंच के अलॉय व्हील्स, 17 इंच के स्टॉक आते हैं इसके अंदर। ठीक है, ठीक है जी, 17 से 20 अपग्रेड, 20 पे अपग्रेड। लुक बहुत अच्छी आ रही है। हाँ। बाकी अपने पास जेन्युइन का भी ऑप्शन होता है, जेन्युइन का ऑप्शन होता है और आफ्टर मार्केट 17 इंची में ऑप्शन। और जल्द से जल्द आपको इन हाउस वेराइटीज भी मिलने वाली है अलॉय व्हील्स के लेके भी, जिसके अंदर आफ्टर मार्केट अपग्रेड करवा सकते हो। साइड फुटरेस्ट जिसका प्राइस होता है 5500 रुपए, रूफ रेल जिसका प्राइस 5500 रुपए, महिंद्रा जेन्युइन। ठीक है भैया, साइड मिरर स्टॉक रखे गए हैं, हमने पेंट मैच कर दिया। अच्छा, रॉ फिनिश में था, पेंट करे। हाँ। हैंडल्स भी पेंट करे गए, हैंडल्स भी पेंट किए गए हैं। ठीक है भैया, एक चीज पूछना चाहूंगा, ये रूफ रेल्स लगाने ड्रिलिंग इशू कुछ लीकेज इशू है? महिंद्रा जेन्युइन निशान आता है, सिर्फ हॉल करना होता है हमें और कुछ नहीं। इनफ यार, लोग बोलते पानी लीक कर जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। कंपनी फिटेड जो होता है क्लासिक में, ये एक अच्छी चीज है। यहाँ पे ना ऑप्शंस आते हैं, हॉल के निशान दिए होते हैं। ठीक है, हमने जाके सिर्फ 4 हॉल करने हैं और नट बोल्ट टाइट कर देना है, वो भी महिंद्रा जेन्युइन। ठीक है, अब साथ में स्पॉइलर, स्पॉइलर महिंद्रा जेन्युइन है। ठीक है, सेम इसके अंदर भी वही ऑप्शन होता है। फिटमेंट दिखा दूं पहले, बिल्कुल 0-0 फिटमेंट इसके अंदर मिल जाएगा। सेम टू सेम वही ऑप्शन होता है, 4 हॉल आते हैं, हॉल करके नट बोल्ट पे हम टाइट कर देते हैं और सेम टू सेम क्या कॉस्टिंग बढ़ती है 5500 रुपए। और महिंद्रा जेन्युइन की पहचान दिखा दूं, वॉशर मिल जाता है इसके अंदर, मिल जाएगा आफ्टर मार्केट में, लाइट मिलती है यहाँ पर। हाँ, वाइपर नहीं लगाया आज? वाइपर नहीं लगा। क्या कॉस्टिंग बढ़ती है? डमी 1500, वर्किंग जाते हो 7500 रुपए। ठीक है, OEM कैमरे की फिटमेंट की है यहाँ पे। ठीक है, बाकी S2 S11 कन्वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई चार्जेस नहीं। ठीक है, अब ये बूट भी खोल लेते हैं, एक बार बूट भी मैं चेक करवा लेता हूं। बूट तो दिखाना जरूरी है स्कॉर्पियो का। पाइनियर के ओवल्स, पाइनियर के ओवल स्पीकर जो 400 वाट के लगे हैं इसके। ठीक है, स्कॉर्पियो की जान। बाकी अंदर देख लो भाई, पुरानी जा रही है S11 गाड़ी बन गई। ठीक है, अब अंदर से दिखा दे, मेन कन्वर्जन करा जाए भैया। जिस चीज के लिए गाड़ी ली जाती है भैया, S2 S11 मॉडल डोर पैनल जिसका प्राइस होता है 20,000, वर्किंग आप चेक कर लो, स्मूथ है, सेम फिनिश में उस तरफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। पीछे भी आपको मिल जाएगा भैया, बैक के भी डोर पूरे रिप्लेस होते हैं, डोर का पूरा रिप्लेस होता है, यहाँ से भी वर्किंग होगी। अगर चाइल्ड लॉक करते हैं तो यहाँ से वर्किंग खत्म, लॉक हो जाएंगे। ठीक है जी, सेम वर्किंग वापस।
और जितने भी वायरिंग है वो सारी सारे महिंद्रा जेन्युइन होते हैं, जितने भी स्विचेस होते हैं, जितने भी जो भी पार्ट होते हैं सारे महिंद्रा जेन्युइन होते हैं। और यहाँ से यहाँ जो वायरिंग उठ के आती है वो भी प्लग एंड प्ले, कटिंग सिस्टम एक परसेंट कहीं से कोई कटिंग नहीं भैया। ठीक है, साथ में भाई यहाँ पर दिखा दूं फ्रंट में पायनियर के अपने स्पीकर अपग्रेड करे, कॉम्पोनेंट की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाएगी देखने के लिए। डंडी वाला सिस्टम हटाया नहीं गया, वरना यहाँ पर आपको एडजस्टिंग स्विच मिल जाता है ऑपरेट करने के लिए। नीचे फ्लोरिंग करिए, नीचे फ्लोरिंग की गई है, ऊपर से 70 मैट डाले गए, क्वालिटी मैट्स है। दिखा दूं भाई वेलक्रो सिस्टम है, कोई लॉक सिस्टम नहीं है, लॉक सिस्टम मत प्रेफर करना, लॉक्स टूट जाते हैं। हाँ जी ठीक है, टॉप नॉच क्वालिटी सीट कवर फुल ब्लैक थीम के अंदर रखा गया है, थाई सपोर्ट के साथ है भैया, बीच में परफोरेशन लगाया गया है, फिटमेंट चेक करो आप भाई 0-0 बैक एंड तक की फिटमेंट दिखाता हूँ एक बार। तो देखो ये पूरी बैक की फिटमेंट मिल जाती है, ये नहीं कि कहीं से पीछे रिंकल्स विंकल्स आ रहे हो, पीछे डिसेंट स्पेस मिल जाएगी आपको स्पेसिंग के लिए। हेडरेस्ट की फिटमेंट 0-0 कोई एलफी सिस्टम इसके अंदर भी नहीं मिलने वाला आपको। साथ में स्टीयरिंग पे चेंजेस क्या करें, टॉप मॉडल स्टीयरिंग, स्टीयरिंग कंट्रोल 5500 भैया, ठीक है जी, पियानो ब्लैक यू 1000, स्टीयरिंग रैप डबल कट के साथ 1000 रुपये, टॉप मॉडल का स्टीयरिंग बन गया 7500 रुपये। एक आमरेश की मिसिंग है, आमरेश कस्टमर ने नहीं लगवाया, बाकी भाई देखो हमारे पास होता है 4500, ये देखो लगवा लेना, ज़्यादा मेरे साथ कंफर्ट भी मिल जाता है, कंफर्ट होता है। एक्चुअल में कई कस्टमर इसलिए नहीं लगवाते क्योंकि कुछ दिनों बाद ना वो हिलने लग जाते हैं। अच्छा हाँ, जो है देखो क्लियर बताते हैं, महिंद्रा जेन्युइन के अंदर भी महिंद्रा एक्चुअल क्या होता है भैया, बेल्टिंग का ऑप्शन होता है उसके, ठीक है, वो क्या होता है यूज, अगर उसको आप दोबारा टाइट करवा लो तो सेम वैसे हो जाएगा। यार देखो 21000 रुपए की एक सीट है, ठीक है, पूरी 42000 रुपए में दोनों चेंज हुआ, वो 42000 वाला काम कितने में हो रहा है, 4500 रुपए, तो दिक्कत डिफरेंस कुछ तो होगा भाई। देखो ये नहीं कि अपना काम है तो बोले नहीं, नहीं, नहीं जो होता है मैं शुरू से वीडियोस में ही नहीं, आप ऑन काउंटर भी आते हो सारी चीजें आपको मैं समझाता हूँ तभी आपकी गाड़ी में वर्क करता हूं। ठीक है, यहाँ पर आपको कप होल्डर मिल गया, कप होल्डर आ गया भैया, ठीक है, टॉप मॉडल वाला पूरा कंप्लीट फ्रेम है, एक एंड्रॉइड सिस्टम लगाया गया है नॉर्मल 2GB रैम 32GB इंटरनल के साथ, बाकी इसमें 360 अपग्रेड कराना, 360 इस वाले में नहीं होगा, स्क्रीन चेंज होगी उसकी, मतलब लग जाता ना। हाँ जी, डायमंड 2K का भी ऑप्शन है, आजकल बहुत चल रहा है वो, ट्रेंडी है बिल्कुल अपना वो। बाकी इसके अंदर दो तीन चीजें मिसिंग है वो बता देता हूं, है एसी वेंट है, सनग्लास होल्डर है, सीट में आर्मरेस्ट, थोड़ी सी कॉस्टली में चलेंगे, मीटर के अंदर भी दो वेरिएंट आते हैं, दो वेरिएंट है 7500 10500, 7500 में एसी वेंट 5-piece स्लॉट्स वाले मिल जाते हैं, ठीक है। साथ में एक अपना इंटीरियर कन्वर्ट करवाने का भी ऑप्शन है, बहुत सारी वीडियो है आप चेक भी कर सकते हैं। इसमें एक चीज मिसिंग है और दिखा दूं, एमएस लाइट प्रॉपर वाली भी आपको मिल जाएगी, वो भी मिल जाती है, इसमें ये वाला पार्ट पूरा रिप्लेस कर दिया जाता है और जेन्युइन अपग्रेड होता है, डैशबोर्ड पे यहाँ पे आ जाता है, फुट में आ जाता है, सीट के नीचे आ जाता है, ठीक है। अब ये सारी वर्किंग हमने दिखा दी है, थोड़ा सा खर्चा कितना आया, खर्चा इस गाड़ी में जो आया है भैया 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के अंदर पूरी कंप्लीट कर दिया, डोर में डैम्पिंग भी की है, अलॉय व्हील्स हटा के, ये हमारे पास नहीं होते, ठीक है, फ्रंट में पायनियर के कंपोनेंट डाले हैं, ओवल स्पीकर डाला है, डोर में डैम्पिंग की है। अच्छा, एक बस इंक्लोजर अपग्रेड करानी है और ठीक है, पूरा सेटअप मैंने भाई यहाँ पर दिखा दिया S2 S11 कन्वर्जन का। बाकी भाई पंजाब से गाड़ी आ रखी थी, कस्टमर से जानते भाई सारी वर्किंग उनको कैसी लगी। भाई अपने प्राउड ओनर, अजी क्या नाम है आपका, गुरदीप सिंह, कहाँ से आए थे, पंचकुला से दिल्ली आना भैया, कैसा लगा आपको, बढ़िया लगा, बेस मॉडल लेके आए थे, बन गई टॉप मॉडल, जितने पैसे खर्च कर रहे हैं वसूल लग रहे हैं ना, दूसरी गाड़ी है पाजी की, दूसरी गाड़ी है भैया, से पहले भी मिल चुके हैं यहाँ पर हम, बेस वेरिएंट थी, टॉप मॉडल बन चुकी है, प्राइसिंग अच्छी लगी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया लगी, और कहीं भी फिटमेंट में कुछ लगा होगी, अनइक्वल फिटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो भाई पेड प्रमोशन नहीं है, बता रहे हैं भाई क्लियर, तो अगर कोई भाई आने की सोच रहा हो बढ़िया रहेगा उनके लिए, बहुत बढ़िया रहेगा, और 10 में से कुछ रेटिंग देनी हो काम को, 10 में से 10 है, जय भी आना, कहाँ पर है, दिल्ली करोल बाग आरबी का डेकोर पे भैया, थैंक यू भैया।